नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। राजधानी पटना की रहने वाली और जन्म से सिर से आपस में जुड़ी दो युवतियों को दो अलग अलग व्यक्तियों के तौर पर व्यवहार का अधिकार मिल गया है। दिलचस्प है कि दोनों बहनें अब अलग अलग मतदान कर सकेंगी। सबाह और फराह 23 आपस में जुड़ी है, जो शहर के समनपुरा इलाके में रहती है। फिर रविवार को अपना वोट अपनी अपनी पसंद से डालेंगी। 2015 के विधानसभा चुनाव में दोनों के नाम एक ही मतदाता पहचान पत्र पर थे और इसलिए उनका एक वोट माना गया था। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने शनिवार को बताया कि जुड़वा को उनकी शारीरिक स्थिति के चलते उनके अलग अलग पहचान से वंचित नहीं किया जा सकता। उनका दिमाग अलग अलग है, अलग अलग विचार पसंद भी, इसलिए बाद में उन्हें अलग अलग मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं और उन्हें बारी बारी से वोट डालने की इजाजत मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों को एक ही मतदाता के तौर पर इसलिए माना गया क्योंकि मतदान गोपनीय होना चाहिए और जब कोई मतदान कर रहा हो तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होना चाहिए। यद्यपि ये जुड़वा आपस में इस तरह से जुड़ी है, उनके सिर इस तरह से आपस में जुड़े हैं कि वे हमेशा विपरीत दिशा में देखेंगी, इसलिए इसमें अधिक समस्या नहीं होनी चाहिए। पटना साहिब सीट पर अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा रहे हैं और उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से है। इन जुड़वा लड़कियों की कहानी हाल में चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे हैशटैग चुनाव की कहानियां से साझा की थी। दोनों को ऑपरेशन के जरिए अलग करने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद इसे जटिल ऑपरेशन बताया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दोनों बहनों को 5,000 रुपए महीना देने का निर्देश दिया था, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया था।